किसी के इमोशंस के साथ आपको नहीं खेलना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ अगर आप प्रॉपर वे में करते हो ना, इट डजंट मैटर कि आपका लुक्स अच्छा है या नहीं, आपके पास पैसे है या नहीं, बट स्टिल इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, अगर आप में वो मर्द वाली बात है, ठीक है, और वो चीज़ वो सामने वाली लड़की या वेमेन नोटिस करती है, और आप अगर रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो और आपसे वो कंफर्टेबली बात कर रही है, तो पुल पुश करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस स्टॉप में पहुंच चुके होंगे और आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। यार ये जो वीडियो है ये हर उस लड़के के लिए, हर उस मैन के लिए हेल्पफुल है जो आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि किसी भी वुमेन को, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकली किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड टू समवन, इट डजंट मीन दैट द अदर पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है? तो बहुत बार आपको क्या करना पड़ता है ना, साइकोलॉजिकली सामने वाले को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने तरफ, ठीक है, ताकि वो जो अट्रैक्शन हो वो स्ट्रांग हो और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ये नहीं कि भाई दो दिन का अट्रैक्शन हो और फिर वो टूट गया। इसके वजह से काफ़ी जो लड़के होते हैं वो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ लड़कियों के केस पे अप्लाई नहीं होता है, ये इन जनरल लाइफ में अप्लाई होता है। जो मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ पुल एंड पुश थ्योरी के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जितने भी लड़के होते हैं जो सफ़र करते हैं रिलेशनशिप्स के वजह से, जो इन शॉर्ट बोलूँ तो कुत्ते बने होते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है ना, इमोशनली वीक होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है भी आप किसी से अट्रैक्टेड और सामने वाला भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड हो, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो अगर आप समझ लेते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, जब भी आप डील करोगे लड़कियों के साथ स्पेशली, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? और ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है हर उन लड़कों के लिए जो बीटा कैटेगरी में आते हैं। मैं अभी बात करूंगा अल्फा कैटेगरी बीटा कैटेगरी के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, बट मेरा जो मेन मोट है वो बीटा कैटेगरी को थोड़ा सा टच करने का है, ठीक है? जो आप समझते हो ना नाइस गाइज वर्सेस बैड गाइज, ठीक है, जो कंसेप्ट होता है नाइस गाइज का और बैड गाइज का, जो नाइस गाइज जनरली सफ़र क्यों करते हैं आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हो, काफ़ी टाइम हो जाता है आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि सामने वाली लड़की आपसे अट्रैक्टेड नहीं हुई या फिर आपको छोड़कर चली गई, आपसे दूर हो गई, और आप पागल के तरह उसके याद में बैठे रहते हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको ये लगता है कि भाई आप एकदम सही हो, लेकिन फिर भी आपने क्या गलती कर दी आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो। वो जो गलती उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कि आप अट्रैक्शन बिल्ड नहीं करा पाते हो, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो मैन है, मैन का जो माइंड है और जो वुमेन का माइंड है वो दोनों अलग तरीके से काम करता है, ठीक है? दोनों अलग अलग काइंड ऑफ स्पीशीज़ हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आपको जो नशा चढ़ता है वो सेक्स में चढ़ता है, ठीक है ना? मैंने इसके पिछले वीडियो किस पे बनाई, मैस्टरबेशन पे बनाई, वो मेन फोकस्ड वीडियो है। क्यों? क्योंकि लड़कों को सेक्स से नशा चढ़ता है, लड़कियों को किससे नशा चढ़ता है, क्यूरियोसिटी से, ठीक है? तो ये वीडियो आपको ये चीज़ समझाया कि भैया पुल पुश थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जो लड़कियों का नेचर है क्यूरियोसिटी वाला, उसके बेसिस पर किस तरीके से एक लड़की को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? बात करते हैं, सबसे पहले आपको तीन चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पर इस वीडियो को पूरा समझने के लिए, ठीक है? और आपको ये चीज़ कभी भी किसी पर फालतू में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, ठीक है, किसी भी आपको किसी भी तरीके से किसी को मैनिपुलेट करने के लिए चीज़ को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? बट ये चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप सफ़र कर जाओगे रिलेशनशिप में अगर आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो। और अट्रैक्ट करना तो सही है, उसके बाद आपको अट्रैक्टेड रखना भी पड़ेगा, उसके वजह से जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, करेक्ट है? सबसे पहले समझते हैं बीटा, ठीक है? तीन चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एक बीटा गाइस, दूसरा समझना पड़ेगा वुमेन की जो बेसिक नेचर होता है, साइकोलॉजी होता है कि भैया वो क्यूरियोसिटी से उनको नशा चढ़ता है, क्यूरियोसिटी पर जब वो सोचती हैं, जब उनको चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल दिखती हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर होने लग जाएगा। और तीसरा क्या करना है, आपके जो सीढ़ी दिख रही है ना आपको, ये सीढ़ी को आपको बेसिकली अपने मंजिल तक देखना है, ऊपर आप अगर पहुंच जाओगे तो वो आपकी मंजिल है पीछे, ठीक है? तो किस तरीके से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे इस सीढ़ी में, या इसको आप एक पहाड़ की तरह भी देख सकते हो, माउंट एवरेस्ट पहाड़ की तरह देख सकते हो कि भैया किस तरीके से हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, और हमारा मंजिल जो होगा वो होगा कि हमने किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, सही है? अब बात करते हैं कि भैया बीटा गाइस क्या होते हैं। बीटा गाइस वो गाइस होते हैं जो अपना जो इमोशंस है वो खोल के बाहर रख देते हैं लड़कियों के सामने,
कि मैं तुमको लाइक करता हूँ और सब कुछ एकदम ऑब्वियस हो जाता है, एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाता है, आपके जो इंटेंशंस होते हैं वो सामने सामने उनको दिख जाता है। एंड अगर आपको अभी तक ये चीज़ नहीं पता है तो आपको जानना ज़रूरी है कि वुमेन आर नॉट अट्रैक्टेड टू सच थिंग्स, ठीक है। जब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, उनका जब दिमाग घूमता है कि भाई यहाँ क्यूरियोसिटी है, उनको जब पता नहीं होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तब उनको क्यूरियोसिटी चलती है और तब वो इंटरेस्टेड फील करती है आप में, अदरवाइज वो बाहर निकल जाती है रिस्क से। समझ में आ रही है बात आपको? बात करते दूसरा, जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाए और फिर छूट जाए तो आपको उसकी नीड फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है, जब आप बहुत छोटे थे, आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, आपको जब स्मार्टफोन दे दिया गया, कुछ दिन आपने यूज़ किया और फिर अगर वही स्मार्टफोन आपके हाथ से ले लिया जाए, तो अभी आप मान लो इस वीडियो को किसी स्मार्टफोन में देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, वो लैपटॉप अगर आपका है और अगर वो लैपटॉप आपसे छीन लिया तो आपको कितनी कमी फील होगी उसकी, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होता है ह्यूमन साइकोलॉजी और स्पेशली वुमेन के माइंड में, ठीक है, उनको क्यूरियोसिटी से नशा चढ़ता है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई वुमेन आर अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर, आपको पता नहीं होता कि उनका स्टेप अगला क्या होने वाला है, ठीक है, वो बेसिक नेचर है। तीसरा क्या बात करना है, ये बेसिकली हमारा लक्ष्य है ऊपर तक जाने का, ऊपर क्या हमारा मंजिल है, ठीक है। ये बेसिकली स्टेप्स है, मैं चाहता हूँ अट्रैक्शन के स्टेप्स की तरह आप इसको देखो, एक पहाड़ की तरह आप देखो। जब आप ऊपर पहुँच जाओगे तो आप मान लेना कि भाई आपकी जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो स्ट्रांग हो गई है, और ये करना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंडशिप में भी करना ज़रूरी है, मैं तो बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में भी करना ज़रूरी है, ठीक है। सामने वाला भी आपके तरफ उतना ही अट्रैक्शन तो नहीं बोलूँगा फ्रेंडशिप में, बट हाँ भाव मिले जितना आप उसको देते हो, करेक्ट है। अब बात करते हैं कि भाई बीटा गाइस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बीटा गाइस क्या होते हैं। बीटा गाइस एक जो गलती बार बार कर रहे होते हैं, जो अल्फा गाइस कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अल्फा गाइस, बीटा गाइस, मैं और डिटेल में घुसूंगा आगे किसी वीडियोस में। अल्फा गाइस क्या करते हैं ना, कभी भी कुछ चीज़ को खुला विमेन को पकड़ा नहीं देते कि भाई विमेन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके लाइफ में उनके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो किसी लड़की के साथ घूमने गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी डेट पर गए, ठीक है, तो आपको पता होता है, सॉरी उनको पता होता है इन जनरल, क्योंकि जितने लड़के वो देखती हैं अपने आसपास वो सारे बीटा कैटेगरी के होते हैं, बहुत कम होते हैं जो अल्फा कैटेगरी के होते हैं, और वुमेन आर सर्चिंग फॉर अल्फा कैटेगरी बॉयज, अल्फा कैटेगरी मैन, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, आप जब डेट पर जाते हो तो उनको पता होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप ट्राई करोगे उनको किस करने का, ठीक है। और दूसरी तरफ जो अल्फा गाइज होते हैं ना, वो कभी भी उनको शो नहीं करने देते हैं कि वो उनको किस करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो क्या करते हैं, ऑपोजिट तरीके से सारी चीज़ें को निकलवाते हैं बाहर कि भैया जो लड़की है वो किस करना चाहती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप किसी के साथ घूमने गए, किसी लड़की के साथ घूमने गए, तो आपका क्या मन करता है कि आप काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करो, समझ में आ रहा है, काफ़ी टाइम आप स्पेंड करने की कोशिश करते हो। आप कभी उसको नहीं बोलोगे कि यार चल अब लेट हो गया अब जाते हैं, आपका मन होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा देर, इनफैक्ट उसको रोक के रखते हो। अगर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ मुझे जाना है लेट हो रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये उनको पता है कि आप ऐसा करोगे क्योंकि सारे लड़के ऐसा ही कर रहे हैं। यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू बिकम अल्फा। अल्फा उस टाइम पर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि चल अब बहुत लेट हो गया तू चली जा, समझ में आ रहा है। बेसिकली करना क्या, जो सीढ़ी है ना, आपको दो स्टेप ऊपर चढ़ना है, एक स्टेप नीचे उतरना है, दो स्टेप ऊपर चढ़ना है, एक स्टेप नीचे उतरना है, आपको पुल एंड पुश करना है। पुल आप कैसे करोगे, जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी भी लड़की को, उनको अच्छा फील होता है उस मोमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्टिंग के थ्रू कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो जो विमेन है ऑन द अदर साइड, उनको अपने बारे में अच्छा फील होता है उस टाइम पर, और उनको पता होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप फ्लर्टिंग की तरफ जाओगे या आप उसको और आगे बढ़ाना चाहोगे, ठीक है ना, उस रोमांटिक टॉक्स को। बट अगर आप उसका उल्टा करते हो, पहले आपने क्या किया, पुल किया, अब आप क्या कर रहे हो, उसका उल्टा कर रहे हो, आप दो तीन दिन के लिए टेक्स्ट ही नहीं कर रहे हो, आप गायब हो जाते हो, तो उनके माइंड में क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगती है, वो कन्फ्यूज होती हैं कि एक्चुअल में ये लड़का मुझे लाइक करता है या नहीं करता है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से अट्रैक्शन बिल्ड होता है, आप धीरे 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 क्या होता है, आप अपने स्टेप्स बढ़ाते जाते हो, आप दो स्टेप ऊपर जाते हो फिर एक नीचे जाते हो, और फिर जब आप टॉप में पहुंचते हो ना, तो उसकी वैल्यू रहती है। आप अगर माउंट एवरेस्ट में चढ़ोगे तो
आप ऐसी नहीं चढ़ सकते हो ना जैसे आप नॉर्मल ये सीढ़ी चढ़ोगे, आप चढ़ोगे मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ में जब आप उठते हो फिर गिरते हो फिर उठते हो फिर गिरते हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है जब आप टॉप पर पहुँच जाते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अप्लाई करो, ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, बट लड़कियों के केस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो क्यूरियोसिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है, आपको ये नहीं करना है कि भाई आपने किसी लड़की को बस हमेशा ये सिग्नल दिया है कि आप बहुत ज़्यादा उनको लाइक करते हो, वो चीज़ उनको बोरिंग लगता है, वो चीज़ उनको अनअट्रैक्टिव लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसलिए सफ़र करो कि आप किसी से अट्रैक्टेड हो और सामने वाला आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ अप्लाई करना है हमेशा। आपको अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है जैसे आप बढ़ रहे हो, ठीक है, यू शुड फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ। आपको हर चीज़ में आगे बढ़ना है, इंप्रूवमेंट करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसे कमाने पे फोकस करना है। हर जगह से आप अगर ग्रो कर रहे होगे ना तो आपको कभी भी ये बीटा वाला फीलिंग नहीं आएगा कि यार मेरा सब कुछ बस एक इस लड़की में है, ये मुझे मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, ये मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर देगी तो मेरा काम हो जाएगा। आप इतना नीडी फील जो करते हो ना बार बार, और आपको सोल्यूशन भी पता नहीं लगता, आपको लगता है कि आप अपने तरफ से सब कुछ सही कर रहे हो बट सामने वाला जो है वो आपको भाव नहीं दे रहा, आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपने सामने वाले को क्यूरियस नहीं बनाया कभी भी, सामने वाले ने आपके बारे में सोचा ही नहीं कभी भी, सब कुछ ऑब्वियसली आपने सामने थाली में परोस के दिया कि लो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बड़े जो अल्फा गाइस होते हैं वो क्या करते हैं, दो स्टेप ऊपर बढ़ते हैं फ्लर्टिंग के, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं मजाक उड़ाते हैं तो एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, फिर दो स्टेप ऊपर बढ़ते हैं फिर एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, डेट पर जाते हैं दो स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, लड़की को लगता है लड़का किस करने वाला है, नहीं करता है किस, एक स्टेप नीचे आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है ना, जो अट्रैक्शन बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, इसी को बोलते हैं पुल पुश थ्योरी, ठीक है। ये चीज़ को आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पर बस छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं आपको, ठीक है ना, कि डेट का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, सिंपल सा एग्जांपल दिया है, बाकी ये चीज़ आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, यू विल हैव टू पुल द पर्सन इन अ लिटिल बिट एंड देन पुश अ लिटिल बिट। ध्यान रखना कि जो पुलिंग है दैट शुड बी मोर देन पुशिंग, अगर आप ज़्यादा पुश कर दोगे, ये नहीं कि आप किसी इंसान को इतना ऑफेंड कर दो कि वो कभी आपसे वापस बात ही ना करे, ये चीज़ नहीं करना है आपको, समझ में आ रही बात। अगर आप पुशिंग ज़्यादा कर दोगे तो वो इंसान आपको कभी अट्रैक्ट नहीं होने वाला आपकी तरफ। यू शुड पुल 100% एंड यू शुड पुश लाइक 50%, देन अगेन पुल 100% देन पुश लाइक 50%। इस तरीके से क्या होगा, आपके और सामने वाले के बीच में एक अट्रैक्शन बनेगा और जिसको आप रोमांटिक साइड में लेके जा सकते हो, और फिर वो जो अट्रैक्शन बनेगा ना वो पक्का अट्रैक्शन बनेगा। अट्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं, एक जो होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि खत्म होने वाले अट्रैक्शन साइड में आप रहो, क्योंकि अगर अट्रैक्शन शॉर्ट टर्म के लिए हुआ तो जनरली जो लड़कों की टेंडेंसी होती है वो तो बैठे रहेंगे, अट्रैक्ट हुए पड़े रहेंगे, बट जो लड़की होगी वो बहुत जल्दी मूव ऑन करके निकल चुकी होगी, और फिर सफ़र कौन करेगा, जो लड़का जो अट्रैक्टेड बैठा है, जो उसके बारे में सोच रहा है, अटैच हुए बैठा है, वो सफ़र करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। आपको क्या करना है, अल्फ़ा बनना है, अल्फ़ा कैटेगरी का बंदा बनना है, जिसके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहा है, सब कुछ सही है, वो किसी एक लड़की के पीछे अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म नहीं करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप उस कैटेगरी का बनो, और ये जो पुल पुश थ्योरी है इसको आप अपने लाइफ में हमेशा अप्लाई करो, इसको सिर्फ समझ लेने से काम नहीं होगा, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करोगे तो आपको इसका रिजल्ट्स मिलेगा, और ज़बरदस्ती में किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए इसको अप्लाई मत करना, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ अप्लाई करोगे ना तो ये चीज़ घूम के आपके तरफ आएगा, और एक दिन कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा होगा और आपके लग जाएंगे दिमाग के। ज़बरदस्ती में ये चीज़ कभी मत करना, ओनली ट्राई विद अ वुमन जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो और आप श्योर हो कि आप उसके साथ रहना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अदरवाइज किसी के इमोशंस के साथ आपको नहीं खेलना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप प्रॉपर वे में करते हो ना, इट डजेंट मैटर कि आपका लुक्स अच्छा है या नहीं, आपके पास पैसे है या नहीं, बट स्टिल इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, अगर आप में वो मर्द वाली बात है, ठीक है, और वो चीज़ वो सामने वाली लड़की या वेमेन नोटिस करती है, और आप अगर रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो और आपसे वो कंफर्टेबली बात कर रही है, तो पुल पुश करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस स्टॉप में पहुंच चुके होंगे और आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।